बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चुकी है। पहले 24 गिरफ्तारियां हुई और आज 10 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बलिया पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगे की कार्रवाई जारी है। जिले के अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारियां हुई हैं। नगरा, सिकंदरपुर और बलिया सदर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तारियां हुई हैं। पत्रकार मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक व्यक्ति विद्यालय में सहायक अध्यापक था, वह कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी थी। उसके पास से प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। ये संबंध में बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया में 3 थाना क्षेत्रों में सिकंदरपुर, नगरा और कोतवाली में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिनमें पूर्व में 24 और 10 और अभियुक्त गिरफ्तार करके कुल अब तक 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। डिटेल्ड प्रेस नोट जिस प्रकार पूर्व में जारी किया गया था उस प्रकार आगे भी जारी हो जाएगा। सर, इसमें पत्रकारों का क्या रोल? देखिए, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी ली कर रहा था, उसके पास ही प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो समय आने पर आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीज़ों से अवगत कराए जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि पत्रकारों की कोई भूमिका निर्धारित की गई है। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अग्रिम जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू। यूपी 60 न्यूज़ के लिए आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।